और अच्छा लग रहा था कि हाँ फिर से देंगे और ज्यादा अच्छा आएंगे, लेकिन मेरा आया ही नहीं, सेकेंड सीटिंग हुआ। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार इंसॉर्ट्स लगातार 10th के रिजल्ट आने से पहले आपको 10th के टॉपरों से मिलवा रहा है। इस सिलसिले में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आपको मोतिहारी से टॉपर से मिलवाने वाले हैं। जी हाँ, वही मोतिहारी जहां पर मैथ के एग्जाम को कैंसिल किया गया था, दोबारा एग्जाम लिया गया था। हम सब कुछ जानेंगे, पहले इनसे इनका नाम जान लेते हैं। मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मोतिहारी से हैं आप? जी। मोतिहारी से टॉप करने वाली हैं? जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कॉल गया था तो उम्मीद थी कि कॉल जाएगा? हाँ था, जाएगा। उम्मीद था। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आपकी भी पेपर कैंसिल हुई थी गणित की? नहीं, मेरा सेकेंड सीटिंग में था। अच्छा, आपकी सेकेंड सीटिंग में थी, फर्स्ट सीटिंग वाले की कैंसिल हुई। हाँ। तो कैसा गया था एग्जाम? जब गया था तो लगा था कि टॉप करेंगे? हाँ लगा था। कितने घंटे पढ़ाई करती हैं? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे पढ़ाई? हाँ, ज्यादा पढ़ाई थी। अच्छा, लेकिन उम्मीद था कि यहाँ तक पहुँचेंगे। माँ बाप का क्या सहयोग रहा है? सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स का ही सपोर्ट रहा है। आज यहाँ खड़ी है, किसको सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहती हूँ? मेरी मम्मी। मम्मी को? हाँ। मम्मी क्या करती है ये बताइए। मम्मी तो सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है मुझे जी। जब भी कुछ भी होता था, मतलब कि कभी डर लगता था, हाँ। तो वही सब कुछ समझाती थी। बस सर और विद्यालय, हाँ। जी सर सब टीचर्स। अच्छा, लॉकडाउन में कैसे पढ़ाई की थी? बोला जाता था लॉकडाउन में बहुत डिफिकल्ट होता था पढ़ना। हाँ, सेल्फ स्टडी किए और जो भी पहले पढ़े थे उसको रिवीजन किया मैंने, और वही सब से। किसके साथ आज यहाँ पे आई हैं? मेरे अंकल ने सर। अंकल के साथ? क्या हुआ सर नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र राय। वीरेंद्र जी, कैसा लग रहा है बच्ची को यहाँ पे? उम्मीद थी? उम्मीद तो थी। उम्मीद थी कि यहाँ तक? मेहनत कर रही थी इसलिए उम्मीद थी। मेहनत कर रही थी इसलिए उम्मीद थी। सर कैसे, क्या करते हैं आप? एक्चुअली मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ जी, और मैं अभी अहमदाबाद में पोस्टेड हूँ जी। तो मैं एक्चुअली मैं इस कारण से नहीं आया था जी, लेकिन मैं कुछ पर्सनल रीजन से आया हुआ था घर। अचानक 25 तारीख को कॉल आया तो बताया, इसके भैया ने बताया, इसका भैया भी 12th में है, उसने बताया कि अंकल ऐसे ऐसे है। एक्चुअली क्या है, हमारे जो भैया हैं, इसके जो फादर हैं, वो थोड़ा सा मेंटली रिटायर्ड हैं, है ना, तो घर का जो भी होता है हमें ही देखना पड़ता है। तो उस चक्कर में भैया बोले कि किसी, तो बोले कि तुम आए हुए हो तो तुम ही चले जाओ, तो इसलिए साथ हम भी आए हैं। मतलब लगा था कि भाई की हालत ऐसी है, फैमिली उस तरीके का नहीं है, क्योंकि एक पिता खंबा होता है घर का, और उस कंडीशन में भी बच्ची यहाँ तक पहुँच गई। बहुत मेहनत किया है इसने, ये तो है जी। बहुत प्राउड फील होगा, हर जगह से फोन आ रहे होंगे। हाँ नहीं, अभी तो ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है अभी जी। एक्चुअली अभी तो एक्चुअली जब फोन आया था तो हमें तो ये डाउट था कि कहीं कई बार क्या होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सेमिनार वगैरह करते हैं, तो मेरे को ये भी डाउट था। तो मैंने पहले डाउट क्लियर करने के लिए वहाँ क्या डी ऑफिस में गया मैं, तो डी ऑफिस में गया तो वहाँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला। उनका कहना था कि हमारे पास कोई प्रॉपर चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन गया नहीं है, कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स को या ज़्यादा ज़्यादा स्कूल्स को है, लेकिन स्कूल से कोई कम्युनिकेशन था नहीं हमारे पास। तो हमने वहाँ कम पहले कन्फर्म किया, वहाँ नहीं कोई कन्फर्मेशन हुआ, फिर भी मैंने सोचा कि चलो भाई नहीं कन्फर्मेशन, कोई बात नहीं। फिर दोबारा यहाँ से जिस नंबर से कॉल गया था तो उस नंबर पे हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार के ऐसे सेकेंड टॉपर में आई है यहाँ पर, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार के ऐसे बहुत सारे लोग जो है टॉपर लिस्ट में नाम आए हैं। और आप लोगों के अगर जैसे कि आपके ज़िले में कौन कौन लोग टॉप है, क्या पता हो सकता है कि जिस, मान लीजिए हम ये जिसका वीडियो बना रहे हैं वही इस वीडियो को देख रहा हो। दोस्तों अगर मान लीजिए आप एक टॉपर हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग नीचे मैसेज करके जरूर बताएं, और आपके जिले में कौन कौन टॉप आया है वो भी नीचे मैसेज करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें अपने अपने दोस्तों को, चैनल पर न्यूज है तो सब्सक्राइब करिएगा कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन इसी तरह अपडेट भी अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ, खुश रहो, नाम करो सभी स्टूडेंट्स, और अच्छे से और भी तैयारी करो, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो। इंटरमीडिएट में जाओगे आप लोग, मैट्रिक के जो छात्र अब इंटर में जाएंगे, इंटर में फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाएंगे, एडमिशन से रिलेटेड जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगा सबसे पहले हम आपको देंगे, चिंता नहीं करना है आपको, सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। आप बस वीडियो को अपने अपने मित्रों को दोस्तों को शेयर करें। आपके ज़िले में कौन कौन टॉप 10 में आया है नाम सेकंड में फर्स्ट में, उनका नीचे मैसेज करके जरूर बताएं, ठीक है। और अगर आप इस टॉप लिस्ट में अगर आप हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग जरूर नीचे मैसेज करके
करके बताएं, आप अपना नाम बताएं, अपना एड्रेस बताएं, सब कुछ बताएं, ठीक है। इससे क्या होगा, हम आपको धन्यवाद देंगे और आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मतलब के नीचे शेयर करना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम।